हमारे पास आए हैं अमानत अली। ओए होए, गाना गाएंगे अमानत अली हमारे लिए। हेलो अमानत, क्या हाल है आपका? हेलो, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, क्या हाल है आपका? आई एम वेरी 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 अफ्रेड. जब से ये सियालकोट का वाकया हुआ है, तब से मेरे आंसू नहीं थम रहे. देखकर इतना इनह्यूमेन वाकया और उसके बारे में तस्वुर करना, इमेजिन करना कि क्या क्या उस बंदे पर बीती होगी. मैंने जब पिक्चर्स देखी थी तो उस बंदे की बेचारे के ऊपर कमीज भी नहीं थी, उसकी शलवार भी उतारी हुई थी. तो आई वॉज वेरी शॉक्ड. हाँ, वो यही करते हैं, पहले नंगा करते हैं, पहले मारते हैं, फिर नंगा करते हैं, और फिर रगड़ते हैं इधर उधर गाड़ी के पीछे करके, और फिर उसको जला देते हैं। ये लास्ट टाइम मिशाल खान के साथ भी यही किया था, लास्ट टाइम जो सियालकोट में वाकया हुआ था उन लड़कों के साथ भी यही किया गया दो था। भाई इट इज रिडिक्यूलस। बहुत बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है. और मैं अब खुद भी डरा हुआ हूँ, बिकॉज आई एम एन एथियस्ट और मैं पाकिस्तान में हूँ एंड आई एम एन 18 ईयर ओल्ड बॉय. सो पता नहीं क्या चलेगा, अब क्या होगा. अभी बहुत डर लगा हुआ है. मैम, मुझे आपसे पूछना था कि आप कनाडा कैसे, मतलब हम इस तरह की कंट्रीज में कैसे जा सकते हैं? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ एनजीओज वगैरह हैं और उन पे आप जो हैं एज अ रेफ्यूजी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने क्या किया था, बट माई मॉम डिड ऑल द वर्क। मगर रेफ्यूज पे आप आ सकते हो एज अ रेफ्यूजी, के मेरी लाइफ को जो है थ्रेटन फील करता हूँ मैं, तो उसके थ्रू आप जरूर कर सकते हो। आई एम श्योर देयर इज एनजीओज, मुझे नहीं पता के विच वन टू कॉन्टेक्ट, राइट? मगर आप अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एथियस्ट हो तो प्लीज किसी के साथ गलती से भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कर देना कि थोड़ा सा भी लोगों को आप पे शक पड़ जाए। मैं कहती हूँ कि मेरे स्ट्रीम पे भी जब आप आते हो तो आवाज चेंज करके आया करो। यू नो, यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज इट्स अ वाइल्ड वेस्ट अप देयर। जी मैम, ये चीज बड़ी ही डिप्रेसिंग होती है. मतलब आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसके 180 डिग्री आपके व्यूज होते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. यहाँ पे चुप करके रहना बहुत ही अजीब महसूस होता है, फ्रीडम वो नहीं तो होती. होता है ना, मगर करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा, वरना तो फिर ये आप लोगों की जान के दुश्मन बन जाएंगे। सो यू हैव टू कीप योर माउथ शट। सो ओके आई मैम. नो इट्स वेरी हार्ड, अपने यानी आप जैसे हो वैसे बन के आप रह नहीं सकते। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ, लाइक जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मुझे भी चंद चीजें छुप छुप के करनी पड़ती थी। इवन तो सब कुछ करते थे वहां पर, मगर वही है ना कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान से, अपनी गाड़ी में बैठ के एक सिगरेट लगा के पीना, वो जो आजादी थी ना मेरे पास, वो आजादी मुझे ज्यादा अच्छी लगी बनिस्बत के पाकिस्तान में रहती मुझे बहुत काम मिल जाना था। मैं बड़ा काम कर रही होती, बड़े पैसे भी कमा रही होती, मगर आई डिडंट हैव माय फ्रीडम। मेरा फ्रीडम नहीं था, मेरे को हर वक्त ये होता था कि है अभी कोई कहीं से आके कुछ ना करते, वहां से कोई ना आके कुछ करते, यू नो। सो यानी पाकिस्तान में भी सारी जो आर्टिस्ट रहते हैं दे लिव देयर, मगर वो सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे होते हैं। दे डू एवरीथिंग मगर पर्दे के पीछे होता है सब कुछ। जी चले, थैंक यू सो मच अमानत जी, आई होप कि आपको ओके थोड़ी हेल्प हो। मगर मैम, आप थैंक सर्च करो, और कुछ ऐसे एथियस्ट ग्रुप्स भी हैं जिनको अगर आप मुझे मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगी, वहां पर आप जाओ उन लोगों से बात करो। बात आपने करनी है तो इन लोगों के साथ करो, ताकि आपका थोड़ा सा मन जो है ना हल्का हो जाता है व्हेन यू टॉक टू पीपल यू. योर काइंड। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम. नो प्रॉब्लम।